भारत में आज से 5G सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। एयरटेल ने तो दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में अपनी सर्विस आज से ही रोल आउट कर दी है। पर क्या ये रोल आउट नाम मात्र का है? अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई शहरों में 5G की सर्विस मिलनी शुरू हो चुकी है, बल्कि लोगों के फ़ोन में 5G का सिग्नल भी आ रहा है। क्या आपके स्मार्टफोन में भी 5G का सिग्नल नज़र आ रहा है? आपको 5G का सिग्नल ज़रूर नज़र आएगा अगर आप एक एयरटेल यूज़र हैं और 5G एनेबल शहरों में से किसी में रहते हैं, तो आपको 5G की सर्विस मिलने लगेगी। जी हाँ, आपके फ़ोन में नेटवर्क पर VoLTE या 4G की जगह 5G नज़र आने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कैसे 5G का सिग्नल नज़र आएगा। आप चाहे तो फ़ोन की सेटिंग में बदलाव करके 5G नेटवर्क पर अपग्रेड भी कर सकते हैं। एयरटेल ने दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में 5G सर्विस की शुरुआत की है। अगर आप एयरटेल यूज़र हैं और आपके पास 5G हैंडसेट है और इन शहरों में से किसी में से रहते हैं, तो संभव है कि आपके स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क मिलने लगे। अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग चेक करनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ आपको कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कुछ फ़ोन्स में ये ऑप्शन सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के नाम से भी आता है। अब आपको उस सिम कार्ड को चुनना होगा जिस पर आप लेटेस्ट नेटवर्क चाहते हैं। यहाँ आपको प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप या नेटवर्क मोड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क चाहते हैं तो आपको 5G पर 5G ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको 5G इंटरनेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नेटवर्क 5G ज़रूर शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपको बेहतर नेटवर्क और कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। 5G इंटरनेट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस नेटवर्क पर आपका एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो जाएगा। ये तो थी एयरटेल की बात। वहीं जियो 5G की बात करें तो इस साल दिवाली से जियो 5G की सर्विस 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलने लगेगी। अब सवाल आता है कि बाकी यूजर्स को कब तक जियो 5G की सर्विस मिलेगी। कंपनी ने इसकी जानकारी आज दे दी है। कंपनी ने बताया कि साल 2023 के दिसंबर तक देश में सभी इलाकों में 5G सर्विस को पहुँचाने का कंपनी का टारगेट है। अगर आप एक जियो यूज़र हैं और फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में नहीं रहते हैं, तो 5G नेटवर्क के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। यहां तक कि इन 4 शहरों में भी पूरी तरह से 5G सर्विस नहीं मिलेगी, बल्कि आपको शुरुआत में चुनिंदा जगहों पर ही मिलेगी। मतलब इन शहरों में से भी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही आपको 5G सर्विस मिलेगी। वही बात करें एयरटेल की और वोडाफोन आइडिया की, तो एयरटेल का प्लान थोड़ा सा अलग है। एयरटेल NSA मतलब नॉन स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइड कराएगा। इसमें 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही 5G सर्विस को रोल आउट किया जा सकता है। मार्च 2024 तक पूरे देश में एयरटेल 4G की सर्विस मिलने लगेगी। वहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने 5G रोल आउट पर किसी ठोस प्लान की जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने ये ज़रूर कहा है कि वो टेलीकॉम यूज़र्स की ज़रूरत के हिसाब से 5G सर्विस को रोल आउट करेंगे। अगर वोडाफोन को रेस में बने रहना है तो उन्हें दूसरी कंपनियों की तरह ही सर्विस रोल आउट करनी होगी। सबसे बड़ा सवाल 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का है। नई तकनीक को लाने में हुए खर्च की वजह से 5G सेवा की कीमतें 4G से ज़्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि मुकेश अंबानी ने 5G के लॉन्च के दौरान कहा कि जियो जो है वो सबसे किफ़ायती 5G प्लान लेकर आएगा। अगर आप जिन देशों में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी है उनमें 4G और 5G की कीमतों का अंतर देखें, तो ये सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाओं के लिए जहाँ $68 यानी करीब 5,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं 5G में ये अंतर बढ़कर $89 यानी करीब 6,500 रुपये तक पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान्स के तहत ये फ़र्क अलग अलग हो सकता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10-30% तक महंगे हैं अमेरिका में। हालांकि भारत में ये फ़र्क काफ़ी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीते सालों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रही है। इसी साल मार्च में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO रणदीप
सेखोन ने कहा था कि 5G के प्लान्स 4G के ही आसपास रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।